प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी रेल लाइन परियोजना का कार्य लगातार जारी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर लंबी है। इसमें कुल 12 रेलवे स्टेशन हैं। रेल लाइन में 17 मुख्य टनल का निर्माण किया जाना है, लेकिन रेलवे टनल निर्माण के हैवी ब्लास्टिंग से अटारी, बल्दिया खान व कंडार सैंड के ग्रामीणों के मकानों में दरारें पड़ती जा रही हैं। अटाली में तो खेतों में भी दरारें पड़ गई हैं। इनकी ब्लास्टिंग अभी रात को भी हो ही रही है, कभी 2:30 बजे हो रही, कभी 12 बजे हो रही। बिल्कुल हम ऐसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब बारिश होती है उस समय तो हमको घर में जाना बिल्कुल ऐसे होता है कि घर जाने के अंदर जाने के लायक नहीं होते, हम बाहर बैठे होते हैं। तो आज की मीटिंग में इन्होंने निर्णय तो लिया है, जब तक लेंगे नहीं, अभी लिया है मतलब जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है 10-15 दिन तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद बिल्कुल हम सड़कों पर फिर उतरेंगे। हमारी कंडीशन बिल्कुल खराब है, मकाने बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जी। मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, G20 सम्मेलन है यहाँ उत्तराखंड में, और उसके लिए इतनी तेजी से काम हो रहा है, जिन जगहों पे उन्होंने केवल एक दिन के लिए आना है उन जगहों को बिल्कुल ऐसे चमकाया जा रहा है हर जगह। लेकिन जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ मकानों में दरारें पड़ रहे हैं इतने समय से, 1-1.5 साल से वहाँ पे लोग खतरे में रह रहे हैं, न जाने कब उनके छतें गिर जाएं। लेकिन वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, बैठकों में लगातार बैठक जारी है लेकिन उसका कोई अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो। बैठकें ऐसी लगती तो हैं कि सकारात्मक होंगी पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित गांव अटाली, बल्दिया खान व कंडार सैंड के ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गठित समिति की उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर देवेंद्र सिंह नेगी ने तहसील सभागार नरेंद्र नगर में बैठक आहूत की। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रेलवे विकास निगम LNT कार्यदायी संस्थाओं के अलावा प्रभावित क्षेत्र के ग्राम प्रधान, पीड़ित व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें रेलवे परियोजना से जो प्रभावित ग्राम थे उनके ग्राम प्रधान, सामाजिक ग्राम प्रधान और कार्यदायी संस्थाएँ, रेलवे, LNT के लोग और प्रधान लोग शामिल थे। और जो स्थानीय ग्रामीण उनकी विभिन्न मांगे इस संबंध में था कि ब्लास्टिंग का समय नियत किया जाए, जो जेकर मशीनें उसका समय नियत किया जाए, पुनर्वास की बात थी, पेयजल योजनाओं की बात थी, इन सब बातों में चर्चा की गई और शीघ्र से निर्णय लेकर आवश्यक कार्य की जाए। द्वारा ग्रामीणों की विभिन्न मांगे थी जिनके जिलाधिकारी महोदय समर्थन किया, उन्होंने अपनी मांगों को रखा है और जिसमें शीघ्र जो प्रस्ताव इनके द्वारा दिए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और यह भी आश्वासन देते हैं कि हमारी योजना का जल्दी के लिए सभी का सहयोग बना है जिससे हम शीघ्र इस बैठक में प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने उचित मुआवजे के साथ हर हालत में विस्थापन की मांग की है और रात्रि में ब्लास्टिंग न करने की मांग की है। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी, RBNL के DGM भूपेंद्र सिंह, प्रशासनिक प्रबंधक अजय प्रताप सिंह, जल संस्थान के सहायक अभियंता आनंद सिंह विजय ने पीड़ित ग्रामीण व प्रधानों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों की मांग पर निर्णय लिया गया कि रात को ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। संवाद 365 के लिए राजेंद्र गोसाई की रिपोर्ट।